हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। इसके मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आज आपको बता रही हूँ। आप सभी तथ्यों को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और हो सके तो इन्हें लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो आपके लगभग हर परीक्षा में काम आते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें ये विशेषकर काम आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि 2350 से 1750 ईसा पूर्व थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की थी। राजस्थान में स्थित कालीबंगा का उत्खनन बी.बी. लाल तथा बी.के. थापर ने 1953 में किया। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। जम्मू में स्थित मांडा हड़प्पा सभ्यता की उत्तरी सीमा तय करता है। दक्षिण में गुजरात में ताप्ती नदी के तट पर भगवत राव स्थित है, जो हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर पूर्वी सीमा तथा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सुतकांगेंडोर पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे और गंदे पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था की गई थी। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, गेहूँ, जौ, कपास, चावल, जिसमें फल खजूर, तरबूज आदि उगाए जाते थे। ये लोग धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण उद्योग, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण उद्योग व परिवहन उद्योग से परिचित थे। ये वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार किया करते थे, यानी वस्तु के बदले में वस्तु खरीदा करते थे। समाज व्यवसाय के आधार पर चार वर्गों में विभाजित किया गया था: विद्वान, योद्धा एवं प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। जुआ खेलना, शिकार, नाचना, गाना बजाना आदि इन लोगों के मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। इसके बाद आपका आता है वैदिक काल। वैदिक काल की यदि बात करें तो ऋग्वैदिक काल में समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार कर्म होता था और इसमें दास व्यवस्था प्रचलित थी। समाज यहाँ का पितृसत्तात्मक होता था, किंतु स्त्रियों की स्थिति अच्छी होती थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह भी होते थे। इस समय की अर्थव्यवस्था की बात करें तो पशुपालन मुख्य व्यवसाय था, वाणिज्य व्यापार भी प्रचलित था। मौद्रिक विनिमय का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पर गाय विनिमय के रूप में प्रयोग में लाई जाती थी, यानी वस्तुएं खरीदने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। निस्क की चर्चा मिलती है, जो संभवतः स्वर्ण मुद्रा थी, किंतु विनिमय के लिए इसका प्रयोग नहीं हुआ था। यहाँ के प्रशासन की बात करें वैदिक काल के, तो कबीले प्रशासन का आधार थे। कबीलों के प्रधान को राजा या राजन कहा जाता था। सभा तथा समिति प्रशासक इकाई थी। समिति में स्त्रियों को भी सदस्यता दी जाती थी। राजा या राजन के पास सलाहकार तथा मंत्रियों के रूप में विद्वजन भी होते थे। विदत तथा जन सैन्य समूह के रूप में सामने आए हैं। तत्पश्चात आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आधार जन्म हो गया। पितृसत्तात्मक पारिवारिक संरचना में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। बाल विवाह के भी साक्ष्य मिलते हैं। विवाह में गोत्र व्यवस्था को मान्यता मिली। अर्थव्यवस्था की बात करें तो पशुपालन के साथ कृषि भी जीवन यापन का प्रमुख आधार बना। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, किंतु एक निष्क एवं सतमान मुद्राओं के रूप में सामने आए। वाणिज्य व्यवसाय में भी तेजी आई। यहाँ नगरीकरण की प्रवृत्ति सामने आई। इसके प्रशासन की बात करें तो कबीलों का विलय हुआ तथा कुछ कबीले अधिक शक्तिशाली हो गए। राजा या राजन की शक्ति में वृद्धि हुई। सभा तथा समिति का महत्व घट गया। स्त्रियों को समिति की सदस्यता से अलग कर दिया गया। जनपद तथा महाजनपद के रूप में कबीलों ने साम्राज्य का रूप ग्रहण किया। अगर आपको इस पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके इनके आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।